हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्री अकाल। चले करते हैं वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2024 में शायद अपनी 5 इलेक्ट्रिक एसयूवीज को लॉन्च करेंगे। इसमें एसयूवी E8 भी होने वाली है। कुछ टाइम से कंपनी अपनी एसयूवी 7L पर बेस्ड इस एसयूवी को टेस्ट कर रहे हैं। इस एसयूवी E8 को एसयूवी 400 से ही ऊपर प्लेस किया जाएगा। और टाटा की कर्व ईवी, मारुति की ईवी एक्स, होंडा की आने वाली एलिवेट ईवी और क्रेटा ईवी से टक्कर लेगी। कंपनी अपनी इस एसयूवी E8 को दिसंबर 2024 में इंट्रोड्यूस करेंगे। एसयूवी E8 का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक एसयूवी 7W जैसा ही रहने वाला है। इसका टेल लैम्प बिल्कुल एसयूवी 7W जैसा ही होगा। फ्रंट में फुल विड्थ LED बार होगी। महिंद्रा का ट्विन पीक कॉपर लोगो होगा। कैबिन में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट होगा। 2-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील होगा। ड्राइवर मोड सेलेक्टर होगा। लार्ज आर्म रेस्ट होगा। कंपनी अपनी इस एसयूवी E8 को अपने इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनाने वाली है। इसमें 60 से लेकर 80 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक मिल सकता है। इसमें सिंगल मोटर और डुअल मोटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक रह सकती है। वैसे तो मैं कंपनी को ये कहूँगा कि इसमें और बड़ा बैटरी पैक देके इसकी रेंज 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि जो कार नहीं लेनी, BYD की एक सील आ रही कार, इसको नहीं लेना। उसकी जो रेंज है वो कहते हैं वो 600 किलोमीटर से आसपास रहने वाली है। तो महिंद्रा को भी अपनी इस गाड़ी की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर से ज़्यादा रखनी चाहिए और जल्द से जल्द अपनी इलेक्ट्रिक SUVs को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि 2024 में बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो इस मार्केट में अगर डोमिनेट होना है तो जैसे कि मैंने टाटा को भी कहा था कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करें, महिंद्रा को भी कहना चाहूँगा अपनी इलेक्ट्रिक SUVs को लॉन्च करें और नंबर 1 इलेक्ट्रिक SUV मेकर इंडिया में बन सकते हैं अगर ये जल्द से जल्द अपनी सभी रेंज में इलेक्ट्रिक SUVs को लॉन्च कर दें। तो हर जगह महिंद्रा 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 हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये सब कुछ था आपके वीडियो में। वीडियो से उसको लाइक करें, सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। उसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके अपने हिस्से के 1 रुपए से इंस्टीट्यूट को जरूर 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 सपोर्ट करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।